गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है 3 अगस्त 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मॉडल, या जिसे हम मॉडल्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स, यानी हम इसकी वर्कशीट में आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी आर वर्ब्स सच एज, जो मॉडल ऑक्सिलरी हम वर्ब्स ही होती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शॉल, शुड, विल, वुड, ये सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होती हैं, जिन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। दे आर यूज विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होती है, जिसमें हम यूज़ करते हैं कि ये मेन वर्ब के साथ इसलिए यूज़ होती है कि अगर हम किसी भी वर्ड को, किसी भी एक्सप्रेशन को हम एबिलिटी को शो करें, पॉसिबिलिटी शो करें, परमिशन शो करें या एडवाइस शो करें, तो हम मेन वर्ब के साथ इसे यूज़ करते हैं। अगर हम लेट अस लर्न अबाउट मॉडल्स एंड इट्स यूज फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो, हम देख लेते हैं टाइप्स। हमें एबिलिटी को शो करने के लिए तो हम कैन या कुड को शो करते हैं, जो हमारा मॉडल वर्ब है। एग्जाम्पल, रीता कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी रीता की एबिलिटी है कि वो स्पीक बोल सकती है फ्रेंच लैंग्वेज। ही कुड रन फास्ट वैन ही वॉज यंग, यानी वो जब बड़ा यंग होगा देन वो ज़्यादा तेज दौड़ेगा, तो ही कुड रन, तो ये एबिलिटी है उसकी। परमिशन, अब परमिशन के लिए हम भी, परमिशन के लिए भी कैन यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। माई पेन इज़ लॉस्ट, यानी मेरा पेन खो गया है। कैन आई बोरो योर पेन, यानी हम परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूँ। कुड यू प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट, क्या यहाँ पे हम परमिशन कह रहे हैं, या हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या तुम प्लीज़ लाइट ऑन कर दोगे। मे आई बोरो योर नोटबुक बुक, मैं आपकी वर्कबुक बोरो कर सकता हूँ, तो ये भी हम परमिशन ले रहे हैं। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो शुड यूज़ करते हैं। यू शुड बी पंचुअल इन क्लास, यानी तुम्हें क्लास में पंचुअल होना चाहिए। वन शुड वेयर द मास्क प्रॉपरली, यानी सबसे पहले तुम्हें मास्क पहनना चाहिए, तो ये हम शुड का यूज़ करते हैं जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ऑब्लिगेशन यानी मस्ट या हैव टू, यानी जब हम किसी को ऑब्लाइज कर रहे हैं। यू मस्ट लर्न योर लेसन, यानी तुम्हें अपना लेसन याद करना पड़ेगा। वी हैव टू गो नाउ और वी विल लेट, हमें जल्दी जाना होगा। हैव टू भी यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन देने के लिए, और मस्ट भी यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी, अब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है तो हम माइट का, मे का, कुड का, कैन का यूज़ करते हैं। इट्स लुक नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छा लग रहा है, शायद ये महंगा होगा, ये महंगा होगा, ये पॉसिबिलिटी है, वो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। हरीश मे बी अटेंडिंग क्लास टुमारो, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, क्या हरीश, मतलब हरीश अपनी क्लास अटेंड कर पाएगा, मे बी। फिर दे कुड हैव कम बाय रेन, यानी वो बारिश के बाद आएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम ये पॉसिबिलिटी है, तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यानी तुम ये प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं विद अप्रिशिएट मॉडल्स मॉडल्स। तो फर्स्ट है देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी, यानी देयर शुड, तो यहाँ पे आपका देयर शुड बी नो, यानी यहाँ पे नहीं, शुड कहाँ से किसके लिए यूज़ होता है, आप देखिए, शुड हमारा एडवाइस, यानी हम एडवाइस दे रहे हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन के नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर इन सोसाइटी, हमें नहीं करना चाहिए। फिर है सेकेंड, यू डैश वेयर अ मास्क बिफोर यू गो आउट, यानी यू मस्ट, यानी तुम्हें ज़रूर पहनना चाहिए, यू मस्ट। थर्ड है दे लेफ्ट इन अ हरी, दे डैश बी होम बाय नाउ, यानी वो जल्दबाजी में घर से गया पर वो जल्दी आ जाएगा, तो हैव टू आ जाएगा इसमें आपका। माय मदर डैश स्विम वेल व्हेन शी वाज यंग, यानी इसमें आ जाएगा आपका माय मदर कुड स्विम वेल व्हेन शी वाज यंग, यानी मेरी मदर जो कुड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जो हमें करना नहीं, एडवाइस नहीं दे रहे हम, मेरी माँ जो मेरी मदर थी वो अच्छा स्विम कर लेती जब वो यंग थी। यू आर 18 नाउ, यू डैश गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर आईडी, अब तुम 18 साल के हो गए तो यू शुड, यानी तुम्हें अब रजिस्टर कर लेना चाहिए वोटर आईडी के लिए। फिर है सिक्स सेंटेंस आपका, यू डैश हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, यानी वो अभी ठीक नहीं है, आपको यू हैव टू, यानी तुम्हें अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए। सीमा हैजन डिसाइडेड येट शी डैश टेक कॉमर्स इन क्लास 9, तो क्लास 11, तो सीमा को ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो कॉमर्स लेगी या नहीं, यानी शी माइट, ने डिसाइड नहीं किया, तो उसमें माइट आएगा। मोटर बाइक राइडर्स डैश वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग, तो इसमें भी उन्हें मस्ट
पे हम एडवाइस दे रहे हैं तो हमारा शूट आ जाएगा, मुझे मोटर बाइक राइडर्स हैं उन्हें उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए जब राइड करें। इट्स रेनिंग हैवली डैश यू लैंड मी योर अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं, तो कैन यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, क्या तुम मुझे अपना अम्ब्रेला उधार दे सकते हो। अ ब्रेव मैन इज़ नॉट दैट वन वो डज नॉट फील अफ्रेड बट वन वो डैश कंक्योर इट। इसमें आपका आ जाएगा कैन, यानी एक ब्रेव यानी कि समझदार व्यक्ति वो नहीं है कि जो जब उसके पास प्रॉब्लम आए तो वो डर जाए, वो है जो उसके सामना करे। तो इसका आपका आ जाएगा कैन, वन वो कैन कंक्योर इट। एक बार आंसर पे टिक कर ले तो इसमें फर्स्ट सेकंड शूट आ जाएगा, इसमें आपका मस्ट आ जाएगा, इसमें आपका मस्ट आ जाएगा, थर्ड में भी आपका, फोर्थ में आपका कुड आ जाएगा, फिफ्थ में आपका, हाँ मैंने मार्क टिक कर दिए, फिफ्थ में आपका शुड आ जाएगा, सिक्स्थ में हैव टू, सेवन्थ में माइट, एट्थ में शुड, नाइन्थ में कैन एंड टेंथ में आपका कैन आ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।